नवी मुंबईत सीबीडी सेक्टर 15 येथील शौर्य आर्ट गॅलरीमध्ये रितू दुबा यांच्या फिलिंग 77 या प्रदर्शनाचा शनिवारी उत्साहात शुभारंभ झाला. माजी स्थायी समिती सभापती तसेच नगरसेविका नेत्रा शिर्के यांच्या हस्ते फिलिंग 77 या चित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. चित्र प्रदर्शनातून रितू दुवा यांनी अंतर्मनातील 77 भावना अलगदपणे चित्ररूपाने एकत्रितरित्या जपल्या आहेत. ही एक अनोखी संकल्पना तसेच प्रदर्शनाच्या माध्यमातून साकारलेला कलाविष्कार उपस्थित सर्वांनाच प्रभावित करून गेलाय. नेता शिर्के यांनीही संपूर्ण प्रदर्शनाचा आढावा घेतला आणि रितू दुवा यांच्या कलाकृतीची व या अनोख्या संकल्पनेची भरपूर प्रशंसा केली. मी मुझे बहुत खुशी हो रही की इतनी आला आर्टिस्ट हमारे यहाँ नवी मुंबई में रहती हैं और ये तो इंटरनेशनली तो फेमस थी पर आज इनका जो काम है वो नवी मुंबई के लोगों को देखने को मिलने जा रहा है और वो भी शौर्य आर्ट गैलरी में. और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग ये देख रहे हैं आज इंटरव्यू वो आएँ और ये देखें क्योंकि ये अनबिलीवेबल है जो उन्होंने क्रिएट किया है. टी बैग्स के ऊपर आर्ट क्रिएट करना ये मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है और उन्होंने एक नहीं 77 ऐसी पेंटिंग्स की है, वो भी रोज़ एक पेंटिंग करी है. उस पेंटिंग के साथ, पेंटिंग में तो उन्होंने जो अपनी फीलिंग्स हैं वो उतारी हैं, उसके साथ साथ उन्होंने हर पेंटिंग के साथ कुछ चंद ऐसे लफ्ज़ भी लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को और अच्छी तरह से मुझे लगता है व्यक्त किया है. और ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिला है पहली बार मुझे कि एक पेंटिंग और पोएट्री साथ साथ. और मुझे लगता है कि वो कितनी बड़ी आर्टिस्ट हैं ये इसी से पता चलता है और मल्टी टैलेंटेड हैं. बहुत बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं सारी, हर एक सब्जेक्ट अलग है. उन्होंने जो मीडियम यूज़ किया है टी बैग, तो जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल है उसके ऊपर कुछ भी करना. आप एक टी बैग को ऐसे थोड़ा सा टच भी करो तो फट जाता है, पर उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाना ये कमाल कर दिया है. और मैं चाहती हूँ कि नवी मुंबई के सारे लोग आएँ और एग्जीबिशन को देखें और उनको इंकरेज करें क्योंकि आर्टिस्ट और चाहते क्या हैं, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो आर्ट है उसको आके लोग देखें, अप्रिशिएट करें. फिलिंग 77 हे प्रदर्शन सर्वांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरेल असा विश्वास उपस्थित सर्व मान्यवरांकडून व्यक्त केला गेलाय. अशा अंतर्मनातील भावनांना कलात्मकतेने मंच देण्याची संकल्पना नेमकी कशी सुचली, या प्रदर्शनातील कलाविष्कार, त्याचे विविधांगी पैलू चित्रकार रितू दुवा यांनी आपल्या शब्दांतून व्यक्त केले आणि फिलिंग 77 या प्रदर्शनाचे महत्त्वही जपले. फीलिंग 77 मैंने ये एक है तो सीरीज ऑफ वर्क टी बैग्स के ऊपर, लेकिन एक्चुअली में ये जैसा कि टाइटल है मेरे फीलिंग्स हैं. एक पोर्शन ऑफ मी है, मेरे एक दिल का हिस्सा जो उस दिन ने में मुझे जिसने इंस्पायर किया, जिससे मैं प्रभावित हुई और जिससे मुझे लगा कि ये मैं इसको मैं अपने पेंट्स के ज़रिए या मैं अपने पेन के ज़रिए शब्दों में और कलर्स में उतार दूँ दोनों एक साथ. तो ये हर एक फीलिंग मेरे आई थिंक डे एवरी डे लाइफ का एक हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. यही मेरे मुझे अच्छा लगता है जब मैं खुद अपने आप को पहले इंस्पायर करती हूँ, फिर जो मेरे आसपास लोग हैं मैं उनको अपने काम के थ्रू इंस्पायर कर सकूँ, ये मेरा पर्पज़ है. या प्रदर्शनाला शहरवासियांनी तसेच कलाप्रेमींनी आवर्जून भेट द्यावी असे आवाहनही त्यांनी केले. नवी मुंबई में मैं लोगों को ये आर्ट का एक एक्सपोजर देना चाहती हूँ कि वो आएं और देखें कि आर्टिस्ट की फीलिंग्स क्या मैजिक कर सकती हैं और वो आएं, वो अप्रिशिएट करें एंड एट द सेम टाइम इंस्पायर हों, खुद भी कुछ कर पाएं कि हाँ इस ये वो कर सकती हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती. वीडियो जर्नलिस्ट सूरज भगत सर, स्वप्नाली देसाई यांचा रिपोर्ट.